दोस्तों अफगानिस्तान में प्रतिशोध का केंद्र बनी पंसीर घाटी को तालिबान आतंकियों से बचाने के लिए अहमद मसूद के नेतृत्व में 9000 विद्रोह ने मोर्चा संभाला हुआ है। पंसीर में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच अभी भी जबरदस्त लड़ाई जारी है। पंसीर घाटी की पहाड़ी चोटियों पर मसूद के जवानों ने हैवी मशीन गन तैनात कर दिए जिससे तालिबानियों का शिकार किया जा सके। इसके अलावा मोर्टार और निगरानी चौकी भी बनाई गई। खबर यह है कि वहाँ सैकड़ों तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया है या उन्हें बंधक के बना लिया गया है। दोस्तों तालिबान ने पंसीर घाटी को तीन तरफ से घेरने का दावा किया। उसका कहना है कि हमने पंसीर की रसद और अन्य सामानों की सप्लाई लाइनें काट दी है। वही दोस्तों पंसीर के नेताओं का कहना है कि वो किसी कीमत पर तालिबान आतंकियों के सामने हथियार नहीं डालेंगे और यह जंग जारी रहेगी। पंसीर की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच में ये जवान राजधानी काबुल से मात्र 80 किलोमीटर दूर तालिबान से मोर्चा ले रहे हैं। अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद की गिनती कभी पंसीर के सबसे बड़े वार लड़ाकों में होती थी, जिन्होंने अपने जीते जी कभी तालिबान और सोवियत संघ को पंसीर के पास भी नहीं आने दिया। यहाँ तक कि जब पिछली बार तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज था तब भी वो पंसीर को नहीं जीत सका। उधर तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बुधवार को कहा कि तालिबान निकट भविष्य में पंसीर प्रांत में प्रतिशोध बलों के साथ शांति समझौता करेगा। मुजाहिद ने बताया कि हम पंसीर के लोगों के संपर्क में, हम बड़े प्रभावशाली लोगों और जेदी कमांडरों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वार्ता जल्दी युद्ध के बिना समस्या का समाधान करेगी। मुझे 80% विश्वास है कि इसके लिए युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारी जानकारी के अनुसार जल्दी एक शांति समझौता किया जाएगा। दोस्तों पंसीर के लड़ाके अहमद मसूद और अमरुल्ला साले के नेतृत्व में ये जमे जवान सैनिक वर्दी में अमेरिका निर्मित हवी में बैठकर पूरे इलाके में गश्त कर रहे हैं। उनके साथ मशीन गन से लैस गाड़ियां भी है। इन जवानों के पास असोल्ट राइफल, रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड और संपर्क करने के लिए वॉकी टोकी सेट है। रणनीतिक रूप से बेहद अहम पंसीर घाटी में मूल रूप से ताजिक मूल के लोग रहते हैं। अत्यधिक ऊंची ऊंची पहाड़ियों की वजह से यह घाटी पंसीर के जवानों को प्राकृतिक सुरक्षा मुहैया कराती है। साथ ही इस घाटी में घुसने का रास्ता बहुत ही संकरा है। अहमद मसूद ने पिछले हफ्ते वाशिंगटन पोस्ट में लिखा था कि अगर तालिबान के लोग हम पर हमला करते तो उन्हें हमारी ओर से करारा जवाब मिलेगा। असल में पंसीर को कब्जे में लेने के लिए तालिबान के लड़ाके बगलान सूबे के अंदराब घाटी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पंसीर के जवानों ने घात लगाकर इन तालिबानियों पर तेज तरार हमला बोला। इस हमले में तालिबानियों को संभलने का मौका नहीं मिला और सैकड़ों तालिबानियों की जान चली गई। नॉर्दर्न अलायंस के जवानों ने काफी तालिबानियों को बंधक भी बना लिया है। वही दोस्तों अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्ला साले ने एक ट्वीट के जरिए जले पर नमक छिड़क दिया और साले ने लिखा कि जब से तालिबानियों पर बड़ा हमला किया गया उनके लिए एक पीस में जिंदा वापस जाना भी चुनौती थी। अब तालिबान ने पंसीर में अपने लड़ाकों की संख्या बढ़ा दी। पिछले दिनों तालिबान ने ऐलान किया था कि उसने पंसीर पर कब्जे के लिए हजारों लड़ाकों को भेजा। हालांकि अभी दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दौर जारी है। मसूद ने कहा कि वो तालिबान से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर तालिबान ने बंदूक के बल पर पंसीर को झुकाने की कोशिश की तो उसे हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पंसीर के विद्रोह में 9000 जवान शामिल है जो स्थानीय मिलिशिया और अफगान सेना के पूर्व जवान हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।